आज हम देखेंगे दाल खिचड़ी की रेसिपी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। दाल खिचड़ी बनाने के लिए मैंने 2 बड़ी कटोरी चावल लिए हैं और 1/2 कटोरी मैंने तूर की दाल ली है। आप मूंग की दाल भी ले सकते हो। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं पानी डाल रही हूँ। खिचड़ी हमें थोड़ी सी पतली चाहिए तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगेगा। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। इसको अच्छे से मिला लिया है और ढक्कन लगा के हम इसकी 3 से 4 सीटी निकाल लेंगे। ये हमारी खिचड़ी बन के रेडी है। ये इससे भी थोड़ी पतली चाहिए तो मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि दाल खिचड़ी थोड़ी सी पतली होती है। इसे और अच्छे से मैश कर लूँगी। आप गाढ़ी बना सकते हो, आपकी चॉइस, पतली भी बना सकते हो, बस इतना ठीक है। इसको अच्छे से मैश कर लिया। अब हम नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल, कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। आप घी भी यूज़ कर सकते हो। ये कुकिंग ऑयल जब अच्छा गरम होने लग जाए उसमें हम थोड़ा सा राई डाल देंगे। राई को पलटने देंगे। उसके बाद एक बड़ा पैन हमने फाइन चॉप किया है, उसको हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक हम पैन को भूनेंगे। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट कर दिया है, उसको भी हम पैन के साथ ही भून लेंगे। यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है हमें। ये देखिए हमारा ऑनियन का कलर भी अब बदल चुका है, थोड़ा सा गोल्डन आ गया। अब हमने यहाँ पे 2 बड़ी मिर्च डाल दी, हरी मिर्च, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा स्वाद अनुसार हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो ज़्यादा डालो, या फिर कम। थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा हींग डाल दिया है। हींग से स्वाद अच्छा आता है। आप अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नहीं डाल सकते हो। उसके बाद मैंने टमाटो डाल दिए हैं मीडियम साइज का। मैंने सिर्फ 1 ही टमाटो उसको फाइन चॉप कर लिया है और उसको मैंने अच्छे से भून लिया है। जब तक टमाटो टेस्ट छोड़ता है तब तक हमें उसको भूनना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हमने नमक डाला है, थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि जब हमने खिचड़ी लगाई थी तब भी हमने उसे नमक डाला था। ये देखिए टमाटो हमारा अच्छे से हो गया, तेल भी छोड़ रहा है। अब हम इसमें खिचड़ी डाल देंगे। खिचड़ी अच्छे से मिक्स कर देंगे और जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। हमने पानी भी डाला था मैश करते वक्त, तभी ये अच्छी गाढ़ी है। तो इसमें और थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि जैसे जैसे वो ठंडी हो जाएगी वैसे वैसे और गाढ़ी होती जाएगी। अगर आपको इतनी थिकनेस अच्छी है लगती है तो आप इतना ही रहने दीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा और पानी डाल दीजिए। देखिए इसमें मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट रेसिपी है। फीकी फीकी दाल खिचड़ी खाने से अच्छा ऐसे बना के खाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम इसको 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में होने देंगे ताकि सारे मसाले उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तब तक हम एक छोटे पैन में ऑयल गरम कर लेंगे। इसको हम छोक देंगे, तड़का लगाएंगे। आप घी भी डाल सकते हो ऊपर से। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल भी लिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल गरम कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च डाली है 1-2 और कड़ी पत्ता डाला है। अरे जैसे गर्म हो जाए हम तड़का लगा देंगे ऊपर से।
ये देखिए, आप ऊपर से तड़का लगाते हो दाल खिचड़ी को तो उसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है। जीरा हमने अभी डाला है, हमने जब प्याज भुना था तब सिर्फ हमने राई डाला था, जीरा नहीं डाला था, इसलिए मैंने आप तड़के में वो जीरा जीरे के तड़के दिए। जब जीरा गर्म होता है तो हम फ्राई करते हैं तो बहुत ही क्रंची क्रंची लगता है, तो उसका टेस्ट जब हम खाते हैं दाल खिचड़ी तो जीरा बहुत ही क्रंची लगता है, ये बहुत सुंदर लगती है खिचड़ी जब बनती है। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।